नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन के बारे में। आरबीआई ने क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसका उद्देश्य जनता के बीच सिक्कों के वितरण में सुधार लाना है, सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाना है। ये एक कैशलेस सिक्का वितरण मशीन होगी। यूपीआई के जरिए कोई भी ग्राहक आसानी से सिक्के निकाल सकेगा। एटीएम मशीन से अभी केवल करेंसी नोट बाहर निकलते हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत अब एटीएम से सिक्के भी निकाल सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरुआत में देश भर के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू किया जाएगा। यूपीआई ऐप के जरिए मशीन के ऊपर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। जितनी कीमत के सिक्के ग्राहक निकालेगा उसके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से वो राशि डेबिट हो जाएगी। ये घोषणा आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया। इन वेंडिंग मशीनों को रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल, मार्केट प्लेस जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। पारंपरिक कैश आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन के विपरीत ये बैंक नोटों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त करेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों या रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद रेपो रेट बढ़कर 6.50% हो गया है। रेपो दर वो दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।